अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं मटन अफ़गानी रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है बनाने में और सिंपल है। तो मैंने आधा किलो मटन ले लिया है, थोड़ा हड्डी वाला पीस लिया है। इससे बहुत ही टेस्टी बनती है मटन अफ़गानी। इसको क्लीन करके अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम मटन को गला लेंगे। अगर आप चिकन की बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी कुक हो जाती है। अब हम मटन की बना रहे हैं तो इसको पहले हमें गलाना पड़ेगा। प्रेशर कुकर में इसको डाल देंगे मटन को। एक गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून के करीब इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इसको कवर करके लीड से 4 सीटी ले लेनी है, जिससे मटन हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। अगर आप इसको पतीली में गलाना चाहते हैं तो भी गला सकते हैं, बट इससे हमारा मटन अफ़गानी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम मसाले रेडी कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 4 हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी से थोड़ा ज़्यादा ही हरा धनिया लिया है। हरा धनिया ज़्यादा ही लेना है। इन सबको हम जार में डाल देंगे। टू टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर आपका पिसा हुआ नहीं है तो इस वक्त आप साथ में पीस भी सकते हैं। और इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे। इसको पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है पीस कर। तो ये देखिए, हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। इसको अब हम साइड में रखते हैं। ये दही ली है मैंने, 1/2 कप दही लिया है और 1/2 कप मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। आप चाहे तो घर की जमी हुई मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दही के अंदर हम क्रीम को डाल देंगे। तो क्रीम को हमने डाल दिया है दही के अंदर। अब 1/3 कप हम दूध लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है। देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा ही लिया है। 1/3 के करीब दूध ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी मिल पाएगी। मसालों में 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला लिया है, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है। बाद में हम टेस्ट करके सॉल्ट डालेंगे। अब एक बोल ले लेंगे, उसमें पिसा हुआ जो मसाला है वो डाल देंगे। और ये जो हमने दही, मलाई और दूध का पेस्ट बनाया है, ये भी इसमें ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना है, ताकि ये फटे ना। और इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे 2 टीस्पून के करीब। आप चाहे तो विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से इसको फेंट लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देना है हमें, बहुत ही कम मसालों में, और बहुत ही मज़ेदार सा ये बनकर तैयार होता है। जब आप इसको बनाओगे तो ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसमें। ये देखिए, मटन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। इसको फ़ैन के नीचे मैंने ठंडा कर लिया था। पूरी तरह से इसको ठंडा कर ले, उसके बाद इसमें ऐड कर दे मसालों में। गरम गरम ऐड नहीं करना है। अब मटन को अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसको हमें मैरिनेट करना है 30 मिनट्स के लिए। इसको फ्रीज में रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो ये देखिए, मिक्स कर लिया है। अब 30 मिनट्स बाद हम इसको देखेंगे। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल डाला है, ऑयल को गरम कर लेंगे। और ये हमारा मैरिनेट हो चुका है मटन, 30 मिनट्स हो चुके हैं इसको। अब हम एक 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 पीस को फ्राई पैन में डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। जो मटन अफ़गानी होती है उसका मज़ा मटन को फ्राई करने में ही आता है, तो ये स्टेप करना ज़रूरी है। तो एक 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 पीस डालते जाएंगे और इसको हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। फुल फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, क्योंकि मटन हमारा गला हुआ है, हमें सिर्फ इसको कलर देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से फ्राई कर ले।
अब हम कढ़ाई ले लेते हैं मसाला बनाने के लिए, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाला है, 3 हरी इलायची और 4 लौंग ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, बट घी में बनाने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब जो हमारा मसाला बचा हुआ है मैरिनेट किया हुआ, वो सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए हमें पकने देना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए मसाला। तो देखिए 5 मिनट बाद इसका ओरिजिनल कलर भी आ चुका है हरे धनिए का, और ये पक भी चुका है मसाला। अब हम इसमें 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, ये थिक ग्रेवी होती है, ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको। पानी डालने के बाद इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तेल भी ऊपर आ चुका है। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें मटन के पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे थे वो हमें इसमें ऐड करना है। ये देखिए जो फ्राई किए थे हमने, ये सारे पीसेस इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर ले। अब इस पर कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अगर आप डालना चाहे तो डालें, वरना हमने पीसते वक्त मसाला हरा धनिया डाला था। अब हरे धनिए को डालने के बाद में हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है, बट अभी इसमें हमें कोयले का धुआं देना है, जिसके लिए फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब फॉइल पेपर रख देंगे या कोई छोटी कटोरी रख दें, इसमें कोयले को जलता हुआ अच्छे से जला लिया है, कोयले को रख देंगे। फ्लेम ऑन है हमारी, बट लो फ्लेम पर है। अब इस पर थोड़ा ऑयल डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छी तरह से स्मोक आ जाए कोयले की। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुका है, कोयले की स्मोक भी आ चुकी है और ये बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है दिखने में। इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी सा मटन अफगानी बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। आप इसको नान और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।